नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आज देखिए दोस्तों, मेरे सामने ये सब्जियाँ पड़ी हैं, गोभी, गाजर और शलगम। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका खट्टा अचार बना के आपके सामने जो है इसकी रेसिपी दी जाए। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो जो है गाजर ले ली है और पाया जितने जो है शलगम ले ली है और आधा किलो जितनी ही गोभी ले ली है। तो इन सबको अच्छे से हमने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए, फर्स्ट क्लास मैंने बारीक बारीक जो है गाजर, गोभी और शलगम जो है काट लिए हैं। ये इतने इतने बारीक काटे हैं कि इजीली जो है इसमें मसाला जो है रस मस जाएगा। और हमने बारीक इसलिए भी काटे हैं कि थोड़े से ये करारे करारे बनते हैं। जैसे मोटी मोटी गाजर और मोटी मोटी गोभी काटे तो एक तो उसको गलने में टाइम लगता है, यानी कि अचार को तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम यही चीज़ बारीक बारीक करते हैं तो हमारा अचार जो है वो तीसरे दिन तैयार हो जाता है। तो इसको हमने अब जैसे काट लिया है तो उसके बाद अच्छे से जो है इसको खुले पानी में वॉश कर लेना है। तो खुले पानी में हमने इन सब्जियों को जो है अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद धूप में जो है हम इसको सूखने के लिए डाल देंगे। तो हमारी सब्जियां जो है वो धूप में सूख रही हैं। 1.5-2 घंटे में इसका पानी जो है बड़े अच्छे से निथर जाएगा और अचार जो है खराब होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो आगे की प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। हमने गैस को ऑन करना है। गैस ऑन हो गई है, फुल है गैस। और इसके अंदर हमने 1 बड़ी कड़छी के बराबर जो है सरसों का तेल डालना है और इसको बड़े अच्छे से गर्म कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारा ये अचार का मटेरियल है जिसमें गाजर, गोभी और शलगम है बारीक बारीक कटे हुए। अब ये हमारे धूप में पूरी तरह से सूख चुके थे, इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। तो अब हमने जो जो इसमें सामान मिक्स करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये सौंफ। सौंफ को हमने 2 चम्मच जितना डालना है। सौंफ हमारे अचार के स्वाद को काफ़ी बढ़ा देते हैं। उसके बाद मैं इसमें साबुत जो है 20-25 जो है काली मिर्च डालूंगी, ये भी मैंने डाल दिए। और उसके बाद मैंने दरदरी जो है ये राई पीस रखी है, इसको मैंने कम से कम 3 चम्मच जो है डालना है। इसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा खट्टा चाहिए तो हम इसको ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच जो है मैं कलौंजी लूंगी। तो ये सारे मसाले अब तक मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद हमने टेस्ट को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें कम से कम 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, ये मैं हाथ से डाल रही हूँ, मेरे हाथ का अंदाजा काफी अच्छा है। और इसके अलावा अब 1 बहुत बड़ा चम्मच जो है जैसे सर्विंग स्पून होता है ये हल्दी का हम डाल रहे हैं, ये हल्दी का हमने डाल लिया। और इसमें अब डालेंगे हम लाल मिर्च। लाल मिर्च भी हमारे अगर हम तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मल डालेंगे। हम तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाली है। और नमक तो नमक जितना ही होता है, इसमें हमारे कम से कम 2 सर्विंग स्पून जितने जो हैं, क्योंकि ये मेरा 1 किलो मटेरियल है कम से कम। उसके बाद इसको फ्रेंड्स हमने अच्छे से जो है हाथों से ऐसे मिक्स कर देना है। अगर थोड़ा सा स्वाद हमने और बढ़ाना है तो इसमें थोड़ा सा जो है सिरका, ये देखिए, दो ढक्कन इसमें मैंने सिरका मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा अगर हमने स्वाद को और बढ़ाना है तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। काला नमक जो होता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ये मसाले नजर आ रहे होंगे, इसको मैंने तब तक हिलाना है जब तक कि ये मसाले जो है पूरी सब्जियों में ऊपर नीचे अच्छे से लिपट ना जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि मैंने इसमें 2 चम्मच सिरका डाला था और नमक का भी अपना पानी होता है। तो बहुत अच्छे से ये पूरी सब्जियों के ऊपर जो है मसाला चढ़ गया है। अब हमने एक काम और क्या करना है, थोड़ा सा नमक को टेस्ट करना है। तो नमक टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैं सबसे छोटा पीस किसी भी सब्जी का उठा के उसको टेस्ट करूंगी। ये देखिए, छोटी सी मैं ये गाजर का टुकड़ा लेती हूँ और इसको मैं खा के देखती हूँ। तो मुझे नमक जो है बिल्कुल सही नजर आ रहा है। ये जो हम सब्जियां मिक्स कर रहे हैं यही हमारे अचार के टेस्ट को जो है बढ़ाएंगी, क्योंकि हमने सारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब देखिए, हमारा कढ़ाई वाला तेल जो है गर्म हो गया है। सब्जियां हमने जो है इस तेल के अंदर डाल लेनी है और कम से कम 2-3 मिनट के लिए हमने इसको छोंक लेना है, ताकि जो हमने हल्दी डाली है या जो और भी मसाले हैं वो अच्छे से जो है पक जाए, जैसे सूखा धनिया है, कलौंजी है, अच्छे से पक जाए।
इससे क्या होगा कि हमें अचार खाने के लिए ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी, चाहे हम धूप में रखें या ना रखें, लेकिन हमारा ये जो अचार है ये तीसरे दिन खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। मेन हमने क्या होता है, तेल पकाना होता है और हल्दी पकानी होती है, और जो राई है उसने अपनी खटास को छोड़ना होता है। जब हम इसको तेल के अंदर ऐसे पहले से ही 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे तो हमारी सारी की सारी जो मसाले हैं या सब्जियां हैं वो अच्छे से जो है, जो पानी थोड़ा बहुत रह जाता है नमक का वो भी पक जाएगा। 1 मिनट तक हिलाते हैं और इसके बाद इसको ठंडा होने का इंतजार करते हैं और इसको कांच की या प्लास्टिक की बर्नी में जो है बंद करके रख देते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे अपने कमेंट्स में बताना, और इस दोस्तों मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप जिस ढंग से मैंने इस अचार को बनाया है आप भी वो अच्छे से जो है सीख पाओ, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।